पूरे देश विच इस वक्त किसानी संघर्ष जिहड़ा चल रहा है, सिंघू बॉर्डर ते असीं खड़े हां, ते इस पूरे किसानी संघर्ष के दौरान जिहड़ी चर्चा रही है वह गोदी मीडिया की रही है, यानी कि नैशनल मीडिया जो कि सरकार नूं भंडण नूं तैयार नहीं, सरकार की नीतियां नूं सवाल जवाब करन नूं तैयार नहीं। इस वक्त मेरे नाल अजीत अंजुम साहब खड़े ने, देश के बहुत ही उगे पत्रकार ने, बहुत वड्डा नाम पत्रकारिता दे विच, क्योंकि गल मीडिया के उत्ते चर्चावां बहुत ही शिखर ते रहियां ने इस पूरे संघर्ष के दौरान। तो अंजुम साहब तो जानते हैं, अंजुम साहब सबसे पहले तो वर्ल्ड पंजाबी में बहुत बहुत स्वागत है, और मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस संघर्ष ने बहुत लोगों को बहुत कुछ दिया, इस आंदोलन ने बहुत सबक, बहुत कुछ सीखने को, और पत्रकारिता पर जिस तरीके के कटाक्ष आज इस आंदोलन के संदर्भ में हो रहे हैं वैसे शायद ही हमने कहीं कभी देखे हैं। तो आप क्या महसूस कर रहे हैं, यहाँ पे आप आए हैं, आपने लगातार पिछले कई हफ्तों से यहाँ पे कवरेज दी है, कैसा महसूस कर रहे हैं कि इस आंदोलन से पत्रकारिता के लिए क्या टेकअवेज हैं? देखिए उसमें रितेश, उसमें पत्रकारिता का आज के दौर में बीते छः सालों में देखेंगे तो बहुत बड़ी तादाद पत्रकारों की, चैनल्स की, मुख्यधारा के चैनल्स की, वो प्रो गवर्नमेंट है, सरकार के पक्ष में है। तो सरकार के विपक्ष में जो भी होता है उसके खिलाफ मुहिम का हिस्सा पत्रकार और चैनल्स भी होते हैं, क्योंकि जो काम बीजेपी के नेता, बीजेपी के प्रवक्ता करते हैं उसमें उसी मुहिम में शामिल पत्रकार भी हो जाते हैं। तो चूंकि इस आंदोलन को डिस्क्रेडिट करने के लिए या इन किसानों को डिस्क्रेडिट करने के लिए या इन किसानों को विदेशी ताकतों की शह पर आंदोलन करने वाले खलिस्तानी, चीन, पाकिस्तान एजेंट, देशद्रोह, ये सारे लोग, ये सारा नैरेटिव बीजेपी सेट करती है, क्योंकि वो चाहती है कि ये आंदोलन डिस्क्रेडिट हो जाए कि ये लोग देशद्रोही लोग हैं या वो लोग हैं, वो जमात है जो देश के साथ नहीं है, देश तो उनके साथ है। उस नैरेटिव का हिस्सा मीडिया भी बनता है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए पॉलिटिशियन को तो मैं मानूंगा वो पॉलिटिक्स करती है, बीजेपी का काम है पॉलिटिक्स करना, और किस तरह की पॉलिटिक्स करती है वो हम सब जानते हैं, उसका जवाब विपक्ष दे और गैर बीजेपी दे, लेकिन पत्रकार को उसमें हिस्सेदारी नहीं निभानी चाहिए मैं मानता हूँ। और किसी आंदोलन में हो सकता है कोई किसी ने ऐसा बयान दे दिया या कोई एक पोस्टर लग गया, लेकिन उसके आधार पर 2 करोड़ की आबादी वाला पंजाब और यहाँ अगर हजारों किसान हैं उसको पेंट कर देना वो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। और मैं तो इसलिए आता हूँ, इनकी तहजीब, इनका तमीज़, इनका धैर्य, इनकी सहनशीलता और जिस संजीदगी के साथ बैठे हैं, मैं बार बार बोलता हूँ कि ऐसे 50,000 1,00,000 लोग सड़क पर 24 दिनों से बैठे रहें खुले आसमान के नीचे, लेकिन कोई घटना नहीं हुआ, कोई ऐसी मारपीट नहीं हुई, कोई ऐसी अप्रिय घटना नहीं हुई, ये बहुत बड़ी बात है और ये इस आंदोलन की कामयाबी है। और वो बहुत डिसिप्लिन ढंग से लोग बैठते हैं तो ये सीखने की चीज़ है। लेकिन आप देखिए इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है और जो मुख्य धारा के चैनल हैं उनके एंकर साहब को कहीं नहीं दिखेंगे क्योंकि आ नहीं सकते, आएंगे तो उनको किसानी सवाल पूछेगा। और मैं 2014 के पहले की स्थिति देखूं रितेश, तो यह आंदोलन अगर 2014 के पहले होता तो टेलीविजन, आप जानते हैं विजुअल मीडिया है, यह हर चीज वो है जो टेलीविजन टीआरपी के लिए भी करता है। ट्रैक्टर में बैठे किसान हैं, ट्रैक्टर के नीचे सोते किसान हैं, लंगर है, खाना है, म्यूजिक है, सब कुछ है। तो यहाँ 500 चैनल, 500 ओवीवैन होती, पूरा ग्रामीण भारत का एक परिदृश्य है, एक कोलाज है ये। बिल्कुल, तो इसलिए नहीं है क्योंकि ये आंदोलन सरकार को सूट नहीं कर रहा है, जो सरकार को सूट नहीं करता वो मीडिया के बड़े तबके को सूट नहीं करता, यही है। लेकिन मैं आपको गोदी मीडिया पर एक बार फिर से आना चाहूंगा, क्योंकि मीडिया की भूमिका, कहते हैं कि अगर तो सरकार के पक्ष की बात करो तो गोदी मीडिया का ठप्पा लगता है, लेकिन एक पक्ष है जो सरकार के हमेशा खिलाफ बोलता है, तो पत्रकारिता में एंटी एस्टेब्लिशमेंट होना, यानी कि हमेशा सरकार के खिलाफ बोलना ज्यादा महत्वपूर्ण है या बराबर बीच में रहकर पत्रकारिता करना? क्योंकि कुलदीप नायर साहब कहते थे कि जो पत्रकार या पत्रकारिता एंटी एस्टेब्लिशमेंट नहीं वो पत्रकारिता ही नहीं, तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट जो है इज्म कितना इंपॉर्टेंट है पत्रकारिता के लिए? मैं मानता हूं कि अवतार सिंह पाश का नाम सुना होगा, पंजाब के थे, उनकी कविता है और कविता संग्रह का नाम है बीच का कोई रास्ता नहीं होता, और बिहार के रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। तो कई जगह बीच का रास्ता नहीं होता, और जब प्रो पीपल कोई चीज़ है, मैं इस आंदोलन की बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं भी हो सकता है, हाथरस में इतनी बड़ी घटना हुई, एक लड़की के साथ गैंगरेप हुआ, और अभी चार्जशीट सीबीआई की आई और उसमें 4 लोग एक्यूज हुए हैं, उनके खिलाफ सीबीआई ने चार्जशीट की, लेकिन मीडिया की भूमिका उस वक्त थी बीजेपी की वही थी कि वो रेप पीड़िता को ही उसका कैरेक्टर असेसिनेशन कर रहे थे और कह रहे थे जो कुछ हुआ सहमति से हुआ, साबित करने की कोशिश में मीडिया भी साथ थी और आरोपियों के गाँव में जाकर पंचायत मीडिया कर रही थी। तो सवाल ये उठता है, कई जगह आपको स्टैंड लेना पड़ता है,
कई जगह आपको डिसाइड करना पड़ता है। और दूसरी बात, मैं मानता हूं कि हर समय सरकार की आलोचना अगर पत्रकारिता नहीं है या सरकार की आलोचना पत्रकारिता नहीं है, इस पर जो लोग सवाल उठाते हैं उससे बड़ा सवाल है कि सरकार के पक्ष में खड़ा होना तो बिल्कुल पत्रकारिता नहीं है, वो तो सीधे सीधे सरकार का प्रवक्ता होना है। उसके लिए पार्टी ज्वाइन कर लीजिए, संबित पात्रा बन जाइए, आप पत्रकार बनकर बीजेपी की बात करें उससे बढ़िया आलोचना करें। मैं मानता हूं कि मीडिया का काम क्रिटिकल होता है, मीडिया अगर सरकार की आलोचना नहीं करेगी तो सरकार अपनी खामियों को गलतियों को सुधारेगी नहीं, वो तो मानेगी सब जमूरे हैं, चारण भाट हैं, सब चापलूसी कर रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि मीडिया का काम क्रिटिकल है और मीडिया का काम सरकार के लिए क्रिटिक की भूमिका निभाना है, क्योंकि सरकार अगर कोई बड़े फैसले करती है, सरकार कहती है कि हमने MSP लागू किया और MSP पर किसानों की फसल खरीद रहे हैं, हकीकत क्या है? 1888 का चावल अगर 1200 में 1000 रुपए में किसान बेचता है और प्याज आलू लेकर सड़क पर ट्रैक्टर चला रहा है तो वो खबर दिखानी होगी ना, या खाली मोदी जी का हम दिखा दें कि पूरे देश में MSP पर फसल खरीदी जा रही है? तो आप मोदी महिमा करेंगे या मोदी जी ने 53 मिनट में जो कहा उस पर 53 सवाल भी करेंगे? प्रॉब्लम है कि 53 मिनट तो दिखाते हैं, उस 53 मिनट में अगर कुछ सवाल है उस पर आप सवाल नहीं करते हैं। मुझे लगता है पत्रकार का काम वहां से शुरू होता है जहां से मोदी जी का भाषण खत्म होता है। बिल्कुल। और ये बताइए कि जब पंजाब में इतने चैनल हैं और हालांकि नेशनल मीडिया ने पंजाब का साथ या किसानों का उतना साथ नहीं दिया, लेकिन जो यहाँ पर आपने देखा बहुत छोटे बड़े चैनल देखे और वेब बहुत स्ट्रांग है, तो उसको आप कैसे एनालाइज करते हैं? ये एक नया ट्रेंड है और इसी ने किसानों की आवाज बनकर देश में एक नई क्रांति लाई है। देखिए, एक अच्छी चीज़ है हाल के 2-3 सालों में हुई है कि डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया की बहुत बड़ी ताकत बढ़ी है, और उस ताकत का नतीजा ये है कि अगर मुख्य धारा की मीडिया और चैनल किसी चीज़ को दबाता है या नेग्लेक्ट करता है, इग्नोर करता है, तो डिजिटल मीडिया में वो स्पेस है कि वो चीज़ें उठती है। इस आंदोलन के साथ भी वही हुआ, ऐसी बहुत सारी हाथरस की भी मिसाल मैंने दी, उसमें भी अगर डिजिटल मीडिया ने, बहुत सारे पत्रकारों ने इशू नहीं बनाया होता तो वो बात दब जाती, मान लिया जाता कि वो लड़की ही कैरेक्टर लड़की का खराब था। वैसे ही ऐसे मामलों में यहां मैं देख रहा हूं बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, मैं भी आज यूट्यूब पर हूं, 25 साल संपादक रहा चैनल का, लेकिन मैं मानता हूं कि मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ पत्रकारिता मैं आज कर रहा हूं, क्योंकि जो मर्जी होता है वो बोलता हूं। तब कई बार दबाव भी होता था मैनेजमेंट का, क्या पूछो क्या ना पूछो, सरकार का दबाव था जो चैनलों में रहा, लेकिन यहां कोई दबाव नहीं। तो एक स्थिति बेहतर है कि डिजिटल मीडिया अपनी भूमिका निभा रहा और उस आवाज़ को प्लेटफॉर्म दे रहा जिसे मुख्यधारा नहीं दे रहा, तो ये मैं देखता हूँ कि आने वाले समय में ये एक बेहतर मीडिया का विस्तार की गुंजाइश भारत में देखता हूँ। और आज ये जो किसानों और केंद्र के बीच में जो डेडलॉक है, इसमें केंद्र हु ब्लिंक्स द आई फर्स्ट वाली सिचुएशन है, अभी भी नरेंद्र मोदी के, नरेंद्र तोमर की हमने चिट्ठी किसानों के नाम संदेश पढ़ा, उसमें जो कोई बात है वो नज़र नहीं आ रही है कि कोई सरकार को इसे अपेरेंटली या जैसे कहते हैं प्रत्यक्ष रूप से कोई असर पड़ता नजर आ रहा है, तो ये एक माइंड गेम भी हो सकता है। आपको क्या लग रहा है संघर्ष कितना आगे और जा रहा है, और सरकार का जो, और नरेंद्र मोदी और अमित शाह और उनकी जो टीम है वो इस वक्त किस दुविधा में है? अब ये देखिए, ये किसान नेताओं से सवाल पूछने वाला है इस पर, ऐसे पूछ रहा हूँ क्योंकि आपको भी अंदर के हलकों को, मैं भी नेता हूं। नहीं नहीं, आप क्यों अंदर के हलकों की खबर है तो आप बता सकते हैं और आप अपना दृष्टिकोण दे। मैं सिर्फ एक पत्रकार के नाते कह रहा हूं, और जो किसान नेताओं से मैंने भी अभी बहुत सारे लोगों से, गुरनाम चढ़ूनी है, बहुत लोगों से बात करके आ रहा हूं, उस चिट्ठी में 8 पन्ने में जो कुछ लिखा है वो मीटिंग्स में सरकार के नुमाइंदे मंत्री कहते रहे, अपने भाषणों में कहते रहे, प्रधानमंत्री मोदी ने कल कहा, मन की बात में कहा, कल मध्य प्रदेश के किसानों से बातचीत में कहा, 3 दिन पहले कच्छ में कहा, लेकिन उसमें एक चीज़ जो 7वें पन्ने पर है जिसका जिक्र मैंने किया, उसमें उन्होंने कहा ये वो लोग हैं जिनकी विचारधारा देश के खिलाफ 1962 में थी और उसी भाषा उसी विचारधारा के लोग इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। तो इसका मतलब वो घूम फिर के वहीं साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके पीछे कोई ताकत है और वो ताकत देश द्रोही ताकतें हैं। और मोदी अगर एक तरह हाथ जोड़ के कहते हैं कि मैं हाथ जोड़ कर विनम्रता के साथ कहता हूं कोई आशंका है तो मैं दूर करूंगा, लेकिन उनके मंत्रियों का बयान देख लीजिए, वो कहते हैं राष्ट्रद्रोही लोग हैं। तो ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हैं, लेकिन हाँ, हम सब लोग चाहेंगे कि डेडलॉक टूटे। 24 दिन हो गया खुले आसमान में, हम सब लोग 3 जैकेट आपका दिख रहा है, 1, 2, 3, इसके अंदर शायद आपने इनर भी पहना होगा, जो भी, मजाक कर रहा हूँ। तो आप, हम ऐसे पैक्ड हैं, सुविधा के हिसाब से यहाँ काम करते हैं फिर घर जाते हैं, ये लोग यहीं पे हैं, अब वो ट्रैक्टर में है, ट्रॉली में है, टेंट में है, सबके अपने घर होंगे, वो छोड़कर यहाँ हैं। तो मुझे लगता है सरकार की भूमिका होनी चाहिए कि डेडलॉक टूटने का रास्ता निकले, कोई फ्लेक्सिबल रास्ता निकले, लेकिन उसका सुझाव मैं नहीं दे सकता, पीड़ित किसान है, फैसला सरकार को करना है। तो जो अब तक इस आंदोलन से सरकार
हिली है, क्योंकि इतना बड़ा आंदोलन तो आपने अपना पत्रकारिता का इतना तजर्बा है आपको, लगभग 30-35 साल से आप इस पूरे फील्ड में हैं, 25 साल संपादक रहे हैं, तो आपने कितना इतना बड़ा जन आंदोलन कहीं बनता हुआ देखा है? मैंने नहीं देखा है, इतना ऑर्गेनाइज्ड, इतना क्या कहें, बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से, अहिंसक और कोई आक्रामकता उद्दंडता नहीं है, ये बड़ी बात है इस आंदोलन की। और मैं कहूँगा कि 6.5 साल में मोदी सरकार भी पहली बार किसी आंदोलन के सामने दबाव में आई है। अदरवाइज इस सरकार का फैसला करने का तरीका ये, हमने सोचा, हमने कर दिया, हमने फैसला कर दिया, मानो या ना मानो वही सच है, हम देश हैं, हम सत्ता हैं, हम सरकार हैं और हम जनादेश हैं। तो उस तरह से राज्यसभा में ये बिल पास हुआ, हम सब ने देखा, जहां बहुमत सरकार का बहुमत नहीं होने के बाद ध्वनिमत से पास हुआ। लेकिन जिस ढंग से इन लोगों ने आंदोलन किया, सरकार को इस कदर तो मजबूर किया कि 5 राउंड की बातचीत हुई। अमित शाह जो कहते थे पहले बुराड़ी जाओ तब बात करेंगे, उसके बाद 3 तारीख मुकर्रर की, 3 दिसंबर की, तोमर ने 8 दिन बाद की, जैसे शुभ मुहूर्त किसी पंडित ने निकाला हो महामंडलेश्वर ने। लेकिन जब घेराबंदी की तो मिले, 3 राउंड बात हुई, अमित शाह से बात हुई, अब फिर डेडलॉक है, क्योंकि उस डेडलॉक में इनकी अपनी आशंकाएं चिंताएं हैं, उनकी अपनी बात है कि हम पीछे कैसे हटें। तो ये उस के नाक की लड़ाई लग रही है, अब ईगो का इशू है, अभी कहा जा रहा है कि ये ईगो की लड़ाई है, और सबसे बड़ी ईगो इस देश में किसकी होगी? मैं किसानों का किसान करूंगा, मैं ये ईगो की लड़ाई नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं दूसरे पक्ष की भी बात कर रहा हूं, सबसे बड़ा ईगो इस देश में किसका हो सकता है? सरकार का तो ईगो हमेशा होता है, मोदी जी का ईगो होता है कि वो फैसला कर दिया तो कर दिया, वो उनके सामने किसी की कोई हैसियत नहीं। हम सब जानते हैं अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी के अलावा बाकी की क्या हैसियत है, कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे लगता है ईगो छोड़ के सरकार को अगर थोड़ा झुकना पड़ता है, उस झुकने से सरकार का इकबाल या प्रतिष्ठा बढ़ती है, अगर आप उसको अहंकार के तौर पर नहीं देखते हैं। सरकार जनता के लिए होती है, तो अगर लगता है कि पब्लिक के कुछ कंसर्न है, उस कंसर्न को सरकार को एड्रेस करना चाहिए। लेकिन मैं फिर कहूंगा, इसमें मैं कोई सुझाव नहीं दूंगा, ये किसान जिनकी फसल, जिनकी चिंता, जिनकी आशंका है, और सरकार जिसको फैसला करना, मैं पीड़ित नहीं हूं। हाँ, लेकिन मैं आंदोलन को डिस्क्रेडिट करने वाले किसी मुहिम के खिलाफ। बहुत बहुत धन्यवाद अजीत अंजुम जी हमारे साथ विचार साझा करने के लिए। तो ऐसी अजीत अंजुम साहब देशदेव के पत्रकार, जिन्होंने गोदी मीडिया ते इस संघर्ष के बारे की राय है वो थोड़े सामने रखी।